हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस, फिर देखते हैं न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो है ट्राइनेटी को लेके। हमें देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्राइनेटी को लेके बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब कौन सा सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट ट्राइनेटी के बारे में। देखो यह है एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारे देश के जो छोटे टी फार्मर्स हैं या टी के जो मतलब टी बागान के जो मालिक आप बोल सकते हो या फिर जो लोग चाय उगाते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि वो अच्छे ढंग से मार्केट के साथ कोलाबरेट कर सकें और मार्केट लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे मानो कि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं या बोलो कि टी उगाने वाले लोग, चाय उगाने वाले लोग होते हैं, जिनके पास ज्यादा बड़े बाग वगैरह नहीं होते चाय के, तो वो ढंग से ज्यादा अच्छे से चाय प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए वो छोटे लेवल पे क्या है कि अपना जो प्रोडक्ट होता है अच्छी क्वालिटी का उसको भी मार्केट तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उनको यहाँ पे सपोर्ट है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो मार्केट लेवल पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट है वो कर सकें। नेक्स्ट इसका आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई लोगों को चाय है उसके सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि द डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी है ना वो किससे एसोसिएट है। तो देखो द डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी है ना, ये बेसिकली हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन से है एसोसिएट है वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे सेवा है, सेवा नहीं सॉरी सेवा है, सेवा भोज योजना के बारे में। पहला स्टेटमेंट यह है कि सेवा भोज योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेवा भोज योजना में क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करवाई जाती है किसको, वो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो कि फ्री में लोगों को खाना वितरित है वो करते हैं। तो देखो सेवा भोज योजना के बारे में हम डिस्कस करें तो बेसिकली है फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। इसमें होगा क्या कि जो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, यानी कि जैसे गुरुद्वारे में लंगर वगैरह हुआ या फिर वो मंदिर मस्जिद में जो खाना खिलाया जाता है फ्री में लोगों को, उनके ऊपर जो भी जैसे वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं गेहूं चावल आटा दाल वगैरह, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह पे किया जाता है उनके द्वारा, वो टैक्स उनको वापस रिफंड किया जाएगा सेवा भोज योजना के द्वारा। तो ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखें तो ओनली बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पोलार वोर्टेक्स को लेके है। पोलार वोर्टेक्स देखो इस बार काफी न्यूज में रहा था और हमें यहाँ पे तीन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला ये कह रहा है कि यह बेसिकली इसमें होता क्या है, कौन के अंदर हाई प्रेशर होता है पोल के ऊपर, और सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विंटर मंथ्स में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यह स्टेटोस्फेयर में स्पिन यानी स्ट्रेटोस्फेयर में घूमता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम यहाँ बात करें पोलर वोर्टेक्स के बारे में, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पोल के ऊपर हाई प्रेशर का कोई सीन नहीं है इसमें। सेकंड है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। होता क्या है पोलर वोर्टेक्स वो हमें ध्यान में होना चाहिए। देखो विंटर्स में क्या होता है कि जैसे सेकंड ये हुआ हमारा अर्थ धरती ऊपर थी, हो गई ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब होता क्या है कि बात देखो जो जो नॉर्थ पोल होता है ना, इसमें आपको पता है कि इस टाइम पे काफी ठंड होती है सर्दियों में, नॉर्मली जब हमारे यहाँ पे सर्दियां होती है उस कंडीशन में, तो यहाँ इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जो काफी मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और इसके चारों तरफ एक लेयर होती है हवा की। अब कई बार वो लेयर अगर कमजोर हो जाती है ना, तो जो ये यहाँ पे काफी जो हम बात करें कि हाई प्रेशर वाली ठंडी हवा है ना, ये मतलब इधर बाहर आ जाती है, तो बाहर आ जाएगी तो जिस भी एरिया में जाएगी ना वहाँ काफी ज्यादा ठंड कर देती है, वो होता है पोलर वोर्टेक्स। तो यह भी न्यूज में था तो ध्यान में रखना कि ये कहाँ होता है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है सोलर ई वेस्ट को लेके। कल हमने इसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आज हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखो आज वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं मंडे को, तो जो है उनको हम कवर करते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि सोलर ई वेस्ट है ना उसको लेके भी एक रिपोर्ट है, डाटा सामने आया है कि भाई इंडिया में जिस तरीके से सोलर प्रोडक्ट या हम बात करें सोलर प्लेट वगैरह यूज की जा रही है ना, इस तरीके से 2050 तक इंडिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोलर ई वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सोलर ई वेस्ट के दौरान जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इंडिया में। ऑब्वियसली धीरे धीरे वो कचरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो कचरा उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक लगभग 2 लाख टन के आसपास हो जाएगा, और इसी के साथ ही बात करें 2050 तक 1.8 मिलियन टन के आसपास हमारा कचरा है या कचरे का जो वेस्ट है बात करें सोलर ई वेस्ट है वो पहुंच जाएगा। मतलब कि जो सोलर फोटिक सेल होते हैं वो आपको पता है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, तो वो एक तरह से वेस्ट है वो हो जाता है, उसी को सोलर ई वेस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है।
तो देखो आर्टिकल में तो वैसे मेंस के पॉइंट थे ज्यादा कि इसको लेके गवर्नमेंट को कुछ अपनी स्ट्रेटजी है वो क्लियर रखनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं कर रखे हैं कि भाई आप नए जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल बना रहे हो तो इस दौरान आप जो पुराने सेल जो खराब हो चुके हैं इनको भी रिसाइल कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा रिसाइकलिंग की पॉलिसी है नई सही ढंग से आई है, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कत हो रही है और हमारे देश के ऊपर एक बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। फिर ये बताया गया आर्टिकल में कि जो सोलर ई वेस्ट होता है ना इसमें काफी हैजार्डस मटेरियल होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था इसमें सेरियम भी होता है, इसके साथ ही इसके अंदर केडियम भी होता है, निकल भी काफी मात्रा में पाया जाता है, लेड भी होता है, तो वो काफी खतरनाक होते हैं, वो कहीं ना कहीं लीवर किडनी को भी इफेक्ट है वो करते हैं और जो फूड है पानी है हमारा इसको भी पोल्यूटेड कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि मलेशिया गवर्नमेंट है ना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा सा पार्ट था वहां पे जिसका नाम है ईस्ट कोस्ट रेल लिंक, उसको एक्चुअली पहले तो मतलब बीच में लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उसकी और चाइना के बीच में कुछ इश्यू हो गया था, बट अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो ईस्ट कोस्ट रेल लिंक था ना उसको वापस अभी नेगोशिएशन के बाद स्टार्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। बस ये यहाँ पे कंटेक्स्ट आया है, तो कंटेक्स्ट हमने देख लिया। अब बात यहाँ पे है कि देखो चाइना है ना वो मलेशिया के अंदर एक डीप सी पोर्ट है वो डेवलप कर रही है कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जिसके थ्रू फिर कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग है वो क्या जाएगा। तो अब हम थोड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिस्कस यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा पहले मैप के थ्रू देखते हैं। देखो बेसिकली चाइना का मोटो क्या है मैं आपको बता दूं, चाइना का देखो जो ऑफिशियली जो कहा गया उनका मोटो ये है कि भाई वो जो एशिया वाला हिस्सा है ना हम बात करें या फिर ईस्टर्न एशिया वाले यानी इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से को मेनली अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्ट करना है। देखो इधर अब इसके लिए देखो एयर रूट की तो बात छोड़ दो, एयर रूट तो देखो पॉसिबल होता है कहीं भी, इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाई जा रही है, इसके लिए चाइना बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है ना इसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम है, जैसे कि जो सीपेक है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग है। कि जो सीपेक है वो तो आपको पता है कि चाइना के अंदर एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे कासगार, यहाँ से लेके वो तो ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मरीन रूट भी है, आपको पता है इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, मरीन रूट एक देखो ये रहा यहाँ पे, ये दिख रहा आपको ये रास्ता यहाँ से जो कि अफ्रीका को कनेक्ट करता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो ओल्ड सिल्क रूट है ये भी अब दिखम बनाया गया है कि भाई जो हम बात करें यूरोप के साथ हमारी कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग की जा सके। तो ये सारे इसके अलग अलग पार्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिल्क रोड जो इकोनॉमिक बेल्ट है इसके साथ ही मेरीटाइम जो सिल्क रूट है इसके साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सारे क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ही पार्ट है। क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब हम और डेटा देख लेते हैं। देखो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मोटो यह है कि ईस्टर्न एशिया की जो इकोनॉमी है ना इसको यूरोप की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया जाए और इसी के साथ ही एशिया यूरोप और अफ्रीका तीनों के साथ अपने लिंक के जाए वो स्ट्रोंग किया जा सके। तो चाइना इसको काफी तेजी से डेवलप है वो कर रहा है और चाइना का एक काफी एम्बिशियस या अहम प्रोजेक्ट है जो कि 2013 में अनाउंस किया गया था और अभी इस पे काम भी चल रहा है। लगभग हम बात करें तो जो सीपेक या बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है ना ये लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड की 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, इसके साथ ही 60% जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी है इसको मतलब कवर कर रहा है और लगभग 70 से ज्यादा कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके अंदर आते हैं। मतलब चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर ये पूरा बन जाता है तो फिर चाइना को इससे काफी ज्यादा फायदा है वो मिलने वाला है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चाइना इसके अंदर लगभग $1 ट्रिलियन है इन्वेस्ट है वो करने वाला है और इसे इंडिया को इसे सॉरी चाइना है वो यूरोप वेस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीका के साथ कंस्ट्रक्शन के साथ भी बेनिफिट होगा और चाइना को इसमें बढ़त हासिल होगी। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। देखो इसमें जगह जगह पे सी रूट तो है ही है, इसके साथ इसमें रेल रूट भी है और रोड रूट भी है, तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि ओनली रेल रूट है ओनली रोड वगैरह है तो नहीं भाई हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो ये है कि रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना वो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है होले अप्सोले एंड्रयू, ये जो अवार्ड है ये भारतीय प्रधानमंत्री को भी दिया जा रहा है। अब देखो एक बार हम ये देख लेते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री को इस बार काफी अवार्ड मिले हैं मतलब पिछले 3-4 सालों में, तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। देखो भारत को अभी कुछ टाइम पहले एक अवार्ड मिला था यूएई ने कि जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है वहां पे, कौन सा था? उसका नाम था जायद मेडल, ठीक है। आपको पता है कि भारत और के प्रधानमंत्री को अवार्ड से दिया गया था। इससे थोड़ा टाइम पहले हम बात करें अक्टूबर में एक और अवार्ड दिया गया था कोरिया के द्वारा जिसका नाम था सियोल प्राइस, सियोल पीस प्राइस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही भारत को एक अवार्ड और दिया गया था सेप्टेम्बर में जिसका नाम था वो दिया गया था यूएन के द्वारा जिसका नाम था यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये इसलिए दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री को, क्यों?
क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके काफी अच्छा है काम है वो किया गया था। इसके साथ ही जो पेलेस्टीन या जो हम बात करें फिलिस्तीन, देखो आपको पता है इसराइल का जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ना, उसको आपको पता है वहां पे कंट्री है पेलेस्टीन, जैसे फिलिस्तीन के नाम जानते हैं, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल यात्रा की थी। तो इस दौरान वहां की जो गवर्नमेंट या हम बात करें फिलिस्तीन की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड है वो सम्मानित किया था, मतलब वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इससे पहले 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा पे, सॉरी जो अफगानिस्तान की सरकार के जो मतलब नई सरकार बनी थी वो भारत की यात्रा पे आई थी, तो उस दौरान एक अवार्ड और दिया गया था जिसका नाम था अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड। तो ये आपको देखो ध्यान रखना, ये 5-6 अवार्ड यूपीएससी पूछ सकती है। भारत के प्रधानमंत्री को मैंने टोटल 7 अवार्ड मिले हैं, तो ये यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। इसके साथ ही 2016 में एक अवार्ड और मिला था दुबई की तरफ से, यानी यूएई की तरफ से, जिसका नाम था किंग अब्दुल्ला अजीज सेस अवार्ड। और जो अभी दिया गया है चाइना, सॉरी अभी जो अवार्ड दिया गया है रशिया की तरफ से, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है सेंट एंड्रू, तो ये यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, सेंट एंड्रू अवार्ड है ये, देखो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एक फैक्ट ये ध्यान में रखना कि सेंट एंड्रू अवार्ड है ना, वो ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, इससे पहले चाइना के प्रधानमंत्री को भी अवार्ड है वो मिल चुका है। तो यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन है वो पूछ लेती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैनली जो ये अवार्ड है वो 1698 से स्टार्ट है वो किया गया था, इसके बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और बाद में वापस 1998 में इसको स्टार्ट है वो किया गया था। तो देखो ये तो सब इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे पहले नहीं है, इससे पहले अजरबैजान, कजाकिस्तान और जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है सॉरी, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लास्ट जो आर्टिकल है वो है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को लेके। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि 2-3 ड्रग्स को मिला के एक मेडिसिन है वो बनाई जाए। देखो होता क्या है कि बार कुछ डिजीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वहां पे एक सिंगल साल्ट या सिंगल मेडिसिन से काम नहीं होता है, तो वहां पे 2-3 दवाई है, 2-3 जो ड्रग्स होते हैं इनको मिला के ड्राई डोज है वो बनाया जाता है, जो कि उन बीमारियों से निपटने के लिए काफी कारगर होता है। तो देखो कंटेक्स्ट ये है कि भारत के अंदर जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं इनको रेगुलेट या मॉनिटर करने का काम किया जाता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के अंतर्गत आता है। अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि भाई हमारे देश में टीबी को लेकर जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स यूज की जाती है ना, लगभग 110 मेडिसिन यूज की जा रही है इंडिया में, और उसमें से केवल 32 मेडिसिन ही ऐसी हैं जो कि CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये उनको वेरीफाई या अप्रूव कर चुका है। बाकी सारी मेडिसिन है वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के मार्केट में चल रही है। तो आर्टिकल का ये कहना है कि देखो जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती है ना, ये काफी खतरनाक होती है, अगर इनका सही मात्रा में यूज किया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इनका इनरेगुलर मतलब इनको रेगुलेट नहीं किया गया तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं इनका साइड इफेक्ट होने लग जाएगा और इसका काफी बड़ा हर्जाना गवर्नमेंट को वहन करना पड़ सकता है, या फिर हमारे देश के ऊपर हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। तो उसी को लेके है आर्टिकल है, तो हमने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट आर्टिकल, तो फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।